नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी एंड्रॉइड की कुछ अच्छे एप्स के बारे में और कुछ वेबसाइट के बारे में, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपनी लार्ज फाइल को सेंड कर पाएंगे अप टू 5 GB। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एप्स को डाउनलोड करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे टाइप कर लेंगे फाइल मेल और इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पर। ये मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। और इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको कोई एक चूज करना रहेगा, सेंड एज अ ईमेल और सेंड एज अ लिंक। अगर मैं सेंड एज अ ईमेल को चूज करती हूँ तो मेरा जो फाइल है वो मेरे मेल आईडी पर जाएगा, और अगर आप सेंड एज अ लिंक करते हैं तो एज अ लिंक के थ्रू आपके मेल आईडी में भी वो लिंक जा सकती है, या फिर आपके व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी प्लेस पर वो लिंक के थ्रू आपका जो फाइल है वो चले जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं सेंड एज अ ईमेल चूज करी हुई हूँ और यहाँ पे मेरे को टू फ्रॉम और सब्जेक्ट मैसेज को मुझे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे टू में मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो फाइल है वो मेरे ही मेल आईडी में चाहिए। अगर आपको किसी और को सेंड करना है तो आप टू में उसकी ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखेंगे। और फ्रॉम में भी मैं अपनी ही आईडी लिखती हूँ क्योंकि मेरे ही मेल आईडी से मुझे मेरी ही आईडी में चाहिए वो फाइल। सब्जेक्ट में लिख लेती हूँ मैं लार्ज फाइल करके, मैसेज में हाई लिख लेती हूँ और एड फाइल में जाऊँगी और फाइल को ऐड कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 231 MB का एक फाइल है और आप जानते हैं कि अगर मैं जीमेल से सेंड करती हूँ कोई फाइल को तो उसमें सिर्फ 25 MB तक ही कोई फाइल जा पाती है। तो अगर 25 MB से मुझे ज़्यादा की फाइल अगर सेंड करनी हो तो आप इन ऐप्स या आगे मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊँगी उसके थ्रू आप सेंड कर पाएंगे लार्ज फाइल को। तो मेरा जो फाइल है अब वो अपलोड होना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे 1 day और 1 week दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1 week को ही चूज़ करूँगी क्योंकि मेरी जो फाइल है सामने वाली की मेल आईडी में मेरा जो फाइल है वो 1 week तक रहेगा। तो अब मैं सेंड में क्लिक कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा जो वीडियो है वो अब अपलोड हो रहा है। अपलोड होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है जिसके लिए आपको पेशेंस भी रखना होगा और आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल है वो 95% हो चुकी है। मेरी जो फाइल है अब वो अपलोड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेंड हो गया है मेरे मेल आईडी में। तो मैं अपनी मेल आईडी को ओपन करके देख लेती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कि मुझे मेल आईडी में मेल आया है। फाइल मेल के नाम से, और मैं यहाँ से डाउनलोड फाइल को अगर क्लिक करती हूँ तो मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और अब मैं इसके अलावा एक नया ऐप है, अब नेक्स्ट मैं स्मैश ऐप के बारे में बताना चाहूँगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली सेंड कर पाएंगे अपनी फाइल को। और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे टैप टू स्मैश पे आपको क्लिक करना है और कोई सी भी फाइल को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं 25 MB से ऊपर किसी MB को मैं चूज़ करती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत ही जल्दी डेटा जो है अपलोड होता है इसमें, देख सकते हैं आप, इसमें भी 2 से 3 मिनट लगेगा इसको अपलोड होने में। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो गया है। अब आपको जस्ट शेयर में क्लिक करनी है और अपने जीमेल या व्हाट्सएप में जाएंगे अगर सेंड करना हो, और अपनी ईमेल आईडी में डाल लेती हूँ क्योंकि मैं ईमेल में सेंड करना चाह रही हूँ अपनी फाइल को। और सब्जेक्ट में लिख लेते हैं लार्ज फाइल और सेंड कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मुझे मेल आ गया है। मुझे इस लिंक पर क्लिक करना होगा। टैप टू व्यू में मैं क्लिक कर लेती हूँ
और यहाँ पे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी, फाइल का नेम चेंज कर लेती हूँ और सेव करूँगी, तो मेरा जो फाइल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और इस प्रकार से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब आप इस प्रकार से ही इन दोनों ऐप से अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करके डाउनलोड कर सकते हैं उन वीडियोस या फाइल को। और अब मैं आगे कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, उसके थ्रू भी आप अपनी फाइल को इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली लार्ज फाइल को सेंड कर पाएंगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर में जाना है और वहां पे गूगल में आप लिखेंगे वी ट्रांसफर, जो कि मोस्ट फेमस वेबसाइट है जिसमें आप अप टू 2GB सेंड कर पाएंगे फाइल को। और ऐड फाइल्स में जाना है और किसी भी एक वीडियो को आप चूज कर लेंगे। और ईमेल आईडी मैं अपनी डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी ही ईमेल आईडी से अपने ही ईमेल आईडी में ये वीडियो चाहिए, और मैसेज लिख लेती हूँ और ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लूँगी। मेरी ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा और आप देख सकते हैं कि वी ट्रांसफ़र से मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया है। इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट एंड देन वेरीफाई। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्पीड वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो गया हमारे ईमेल आईडी में। दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र के थ्रू आप सिर्फ अपने ईमेल आईडी में ही अपनी वीडियोस या फाइल को पा पाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक में सेंड करना है तब आप फाइल मेल का यूज़ कर सकते हैं, फाइल मेल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डाउनलोड लिंक आया हुआ है, उसको मेरे को क्लिक कर लेना है। और डाउनलोड पर मैं क्लिक कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल है वो डाउनलोड हो रहा है। तो आप भी इस प्रकार से इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ई ट्रांसफर के अलावा पी क्लाउड ट्रांसफर भी है जिसके थ्रू आप इजिली डेटा को सेंड कर पाएंगे, इसमें अप टू 5GB। और अगर आप लॉगिन हो जाते हैं तो अप टू 10GB अपने डेटा को सेंड कर पाएंगे। मुझे ये दोनों ही वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये इजी टू यूज है। और आप भी इन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐप्स यूज़ करना है तो ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक और बार बता देती हूँ कि इसको भी कैसे यूज़ करना है। आपको सिंपली जाना है क्लिक हियर टू ऐड में और अपने डॉक्यूमेंट या फाइल को सेंड कर लेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, मैसेज लिख लेंगे और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी में चेक कर लेंगे और फाइल सेंड फाइल कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई करना होगा और आपके जीमेल में आपका जो वीडियो है या फिर फाइल है वो आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो इस कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।